हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सलोनी का स्वाद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली कढ़ाई पनीर। यहाँ मैंने पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। यहाँ मैं राइस ब्रैन ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप अपने मनचाहा ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पर मैंने प्याज, शिमला मिर्च और पनीर को क्यूब में काट लिया है। आप अपने मन चाहे शेप में इसे काट सकते हैं, आप डायमंड में भी काट सकते हैं और आपको जो अच्छा लगे आप वैसी शेप में इसे कट कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा कढ़ाई मसाला डाला है, ये होममेड कढ़ाई मसाला है। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और बस थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर हमें इसे अच्छे से सॉटे कर लेना है, जब तक कि प्याज थोड़ा सा, प्याज का जो कलर होता है ना वो मतलब गोल्डन सा ना होने लगे और प्याज और शिमला मिर्च सॉफ्ट ना होने लगे, तब तक हमें इन्हें इसी तरह से सॉटे करना है। बस अब हम इन्हें एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसी पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे दोबारा से, और उसमें हम छोटी इलायची डालेंगे एक, और थोड़ा सा जीरा डालेंगे, साबुत जीरा। आप यहाँ डालना चाहें तो खड़े मसाले और भी डाल सकते हैं, मैं पर ऐड नहीं कर रही हूँ दालचीनी वगैरह। आप यहाँ दालचीनी, तेज़पत्ता और स्टारनीज यानी चक्री फूल भी ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़े से रैंडमली चॉप्ड 2 प्याज और 2 टमाटर ले लिए हैं, और हल्का सा नमक डालकर इन्हें बिल्कुल सॉफ्ट होने तक हमें पका लेना है। नमक इसलिए डालते हैं कि ये जल्दी से पक जाएँ। इन्हें थोड़ी देर कवर करके ढक्कन से, और देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इन्हें हमें इस स्टेज तक पकाना है जिससे कि हमारी प्यूरी आसानी से बन जाए। और बस ये देखिए हमने इसे ठंडा करके ग्राइंड कर लिया है और अच्छे से प्यूरी हमारी बन गई है। आप इसे थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। बस मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के प्यूरी डाल दी है, और अब इसमें हम कुछ ड्राई मसाले डालेंगे। यहाँ मैं काला नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक आप हिसाब से डालें, क्योंकि हम पहले हमने सब्जी सॉटे की थी तब भी डाला था, प्यूरी में भी डाला था, तो नमक को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च और कसूरी मेथी डाली है, और बस इसे हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि जब तक मसाला भुनता नहीं है तो उसका जो टेस्ट होता है वो एनहेंस नहीं होता है। इस वजह से हमें अच्छे से मसाले को भूनना है। और बस यहाँ पर मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ, 2 चम्मच क्रीम डाल के, और हमें इसे अच्छे से भून लेना है फिर से। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप यहाँ फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हो। बस ये मैंने जो जिस ग्लास में हमने वो प्यूरी बनाई थी ना मिक्सी के ग्लास में, बस वो धो के मैंने पानी थोड़ा सा डाल दिया है, और इसकी ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और बस यहाँ पर हमने जो सब्जियाँ सॉटे करके रखी थी, प्याज, शिमला मिर्च और पनीर को, वो हमें डाल देना है और इसे ढक कर 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है, जिससे कि सारे फ्लेवर पनीर और सब्जियों के अंदर चले जाएँ। और बस यहाँ पर हल्का सा मैं गरम मसाले का टच दे रही हूँ, और आप चाहें तो यहाँ कढ़ाई मसाला भी ऐड कर सकते हैं या पनीर मसाला भी आप डाल सकते हो। तो देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल कढ़ाई पनीर बनकर तैयार हो गई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर से थोड़ी सी क्रीम से गार्निश कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।